बंगाल को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की जाने लगेगी। अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में तो ये तक कह दिया कि बंगाल जल्द ही इस्लामिक देश बनने वाला है। बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती ही जा रही है और वोट बैंक के चक्कर में तुष्टीकरण की अंधी दौड़ में लगी ममता बनर्जी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अभी अभी मिल रही ताजा खबर कोलकाता के कोसीपोर इलाके की है, जहां सर्व मंगला घाट के पास बने मंदिर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ ने हमला कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। आप सभी जानते हैं भारत में पहले ही धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका है, मगर अब ममता का बंगाल एक बार फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा है। 4 नवंबर के दिन कोलकाता के सर्व मंगला घाट के पास बने मंदिर में हिंदू श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे कि तभी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की भीड़ मंदिर के अंदर घुस गई और श्रद्धालुओं पर भयानक हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्रद्धालु मंदिर में पूजा आरती कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कुछ मुस्लिम युवकों ने श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए शोर शराबा करना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं ने उनसे विनती की वो यहाँ शोर ना करें, यदि शोर करना ही है तो मंदिर से बाहर जाकर शोर करें। इतना सुनने के बाद ये बांग्लादेशी युवक वहाँ से चले गए और थोड़ी देर में बड़ी भीड़ लेकर वापस आए और मंदिर में घुस गए, और उसके बाद इन सब ने मिलकर वहाँ मौजूद सभी श्रद्धालुओं की जमकर पिटाई की। अब खबरों के मुताबिक अब मंदिर के पुजारी अवैध बांग्लादेशियों की भीड़ लेकर आए शख्स की पहचान भी कर ली है। पुजारी के मुताबिक मंदिर में कलाम नाम का स्थानीय नेता मुस्लिमों की भीड़ लेकर वहां आया था और इन सभी ने मिलकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं की खूब पिटाई की जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। इन दरिंदों ने न केवल श्रद्धालुओं को पीटा बल्कि आसपास दुकान चलाने वाले हिंदू पति पत्नी को दुकान से घसीटकर बाहर निकाला और उनकी भी पिटाई की। डर का आलम यह है कि अब दुकानदार की पत्नी का कहना है कि वो इस दुकान को बेचकर इस इलाके को छोड़कर चले जाएंगे। हैरत अंगेज करने वाली बात यह है कि आजकल मीडिया चैनल बीजेपी की हर छोटी से छोटी खबर दिखाते हैं, मगर इतनी बड़ी खबर मीडिया को दिखाई ही नहीं देती। दरअसल किसी भी मीडिया चैनल ने इतनी बड़ी खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझा। फर्जी सेकुलरिज्म देश की मीडिया और न्यायपालिका के सर पर इस कदर सवार हो चुका है कि वो मुस्लिम द्वारा किए गए दंगों या मारपीट की खबर को दिखाते तक नहीं है। न्यायपालिका को अवैध घुसपैठियों से इस कदर ममता है कि वो भारत सरकार व खुफिया एजेंसियों तक की सुन नहीं रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत को कितनी बार धर्म के आधार पर विभाजित होना पड़ेगा। पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे देश के बाद कश्मीर में कत्लेआम करके पहले ही हिंदुओं को खदेड़ा जा चुका है। अब वास्तविक तौर पर देखा जाए तो बंगाल और केरल में भी यही हाल है। देश के 8 राज्यों में अवैध धर्म परिवर्तन के चलते हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, मगर फिर भी मीडिया से लेकर न्यायपालिका व वोट के भूखे कुछ नेता देश के टुकड़े करने पर आमादा हो चुके हैं। मुसीबत वाली बात ये है कि बंगाल में केंद्र सरकार चाह कर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा। यदि राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया तो 2-4 महीनों के बाद फिर वहाँ पर चुनाव होगा और फिर से वहाँ मौजूद लोग तृणमूल सरकार को ही वोट देने आएंगे और खबर बन जाएगी कि मोदी ने थोपा राष्ट्रपति शासन, जनता ने दिया मोदी को जवाब।